होगी। राजस्थान दिवस समारोह आज जिला प्रशासन दुदू की तरफ से आयोजित हुआ है। दुदू जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब एचएम ढाका जी की उपस्थिति में इस समारोह में कई सारे कलाकार आए, लेकिन हमने स्पेशली रूप से समाज की संस्कृति और कला को ढूंढाड़ी भाषा में और ढूंढाड़ी परिवेश में प्रस्तुत करने वाली पिंकी चौधरी और मुकेश जी, इन दोनों को भी स्पेशली इन्वाइट किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। कलाकार हमारे सारे आ चुके हैं, लेकिन चूंकि आज भारतीय लोकतंत्र के महापर्व जो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राजस्थान में वोटिंग होगी लोकसभा चुनाव की, तो उसको लेकर एक चेतना रैली निकाली जा रही है, तो भी कलाकार सभी उसमें गए हैं और अन्य सांस्कृतिक नृत्य है किशनगढ़ की बड़ी खड़ी से। अभिनंदन आपके मार्गदर्शन में दुदू जिला प्रशासन आज का इस राजस्थान स्थापना दिवस समारोह मना रहा। श्री हनुमान मान जी ढाका साहब अभी हमारे बीच में मंच पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस दुदू जिला मुख्यालय पर पहली बार पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। दुदू जिला मुख्यालय के सभी गणमान्य जनों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आज ऐसा बना ले को दर्शक साथ से निवेदन करूंगा जब भी मंच पर उनके कार्यक्रम शुरू होंगे जितने अलगोजा राजन नीलम घोड़ी करते तालबेलिया करते घूमर करते राजस्थानी गायन हसक वादक हवाई नृत्य चरी नृत्य और अन्य राजस्थानी लोग शानदार घूम रहेंगे। हो गया 21 जून 2019 के बाद ज्यादा तरीके से प्रचलन में आया, लेकिन योग हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। ये जिस अंदाज में गाते हैं इसके शब्दों से आपके लोक मानस के समझ में नहीं आए, लेकिन एक तो गाय माँ सरस्वती मंदिर की दीप प्रज्वलन कर आदरणीय कलेक्टर साहब अपना हंडी बजाओ सारा अफसर हंडी बजाओ स्वागत अभिनंदन कार्य सरस्वती जी का आपको प्रतीक से ज्ञान को अस्तो मा सदगमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर मा अमृतम गमे, तो ऐसी अमृत वाणी हमारे आए और जीवन I'm not afraid of the dark.
राम राम का जवाब राम राम से, फिर से एक बार सभी से राम राम। अरे राम राम साहब। राम राम साहब। तो मुंगा राम जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 साल। घबराने की बात नहीं है, उम्र ज्यादा इनकी, ये है 50 साल की। आप इतने छोटे नाटे बोले कैसे लगे? ऐसे कैसे लगे? पहले के जमाने में साधन नहीं थे, तो आपको क्या फर्क पड़ा? और अभी किसके? पहले के जमाने में साधन नहीं थे, तो चलते 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 किसके? आपने कुछ शादी आदि के बारे में सोचा? अभी तक मैं चाचा के नाम लिए। इधर देख लो, एक को छोड़ देना, इनमें से पसंद कर लो, बाकी कौन है भाग्यशाली? कौन है भाग्यशाली, जरा नाम बताएंगे? कौन है? उन्होंने तो शादी की तालियां बजाएंगे एक बार। आपने वीणा कैसी से टी सीरीज से देखा होगा कि 2019 में पैरालाइज की शिकायत थी, लेकिन भूटानी धाम की अधिक कृपा रही कि वापस मंच पर अमन वदन के बारे में से जोरदार तालियों से अभिनंदन। जय जय राजस्थान। हमारी राजस्थान की यूं ही बिखरती रहे, तो आइए एक चली नृत्य की हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है। वीडियो में बड़ा तो खड़ा है, फोटो भी पोस्ट में बड़ा है। आठ 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 दो चार हरी बाजी के बाद में सरवण लाल जी आ गए, चंदन लाल जी को होटो के लिए एक बार करिएगा। सरदार राणा छोटा सा आगे हो गया, अंजन जी हो गए, पिंकी पिंकी चौधरी, मुकेश चौधरी, दोनों आ जाओ भाई, दोनों जोड़ा जोड़ा सा जाओ, खटाखट लंबा लट सीधा चट जाओ। चलिए बहुत बढ़िया, अगली कड़ी में कसम
अपन खिंचवाई ले बाबा चल ठीक है थैंक यू सो मच। अच्छा इनके वाला पूरा रह गया यार अधूरा रह गया इनके वाला अच्छा था नहीं कोई बात सुनो राजस्थान दिवस समारोह आज जिला प्रशासन दूधू की तरफ से आयोजित हुआ है। दूधू जिला मुख्यालय पर कलेक्टर साहब एचएम ढाका जी की उपस्थिति में इस समारोह में कई सारे कलाकार आए, लेकिन हमने स्पेशली रूप से समाज की संस्कृति और कला को ढूंढाड़ी भाषा में और ढूंढाड़ी परिवेश में प्रस्तुत करने वाली पिंकी चौधरी और मुकेश जी, इन दोनों को भी स्पेशली इन्वाइट किया। आपने बहुत अच्छा एक राजस्थानी गाने पर परफॉर्मेंस भी किया है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी समाज की मर्यादा नीतियों और उसके अनुसार उसी ड्रेसअप में, उसी परिवेश में, उसी भाषा में, उसी मर्यादा में आप संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज कलेक्टर साहब ने इनको सम्मानित किया, उसके लिए उनको बहुत सारी बधाई।